यह है राजशमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 40 ईयर्स, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स सर्व करा, तो आप फिर स्टार्टअप में मूव क्यों है, भारत पे क्यों ज्वाइन किया, आपने क्या सोचा? क्योंकि इस टाइम पर यूजुअली कैसे लोग करते हैं, यार मेरा रिटायरमेंट हो गया है, मैं थोड़ा चिल करता हूँ, मैं रिलैक्स करूँगा, तो क्यों आइडिया लगा भारत पे का? एंड फर्स्ट टाइम अप्रोच कैसे हुआ, क्यों आइडिया भी आया, क्या सिचुएशन थी? बता, स्टार्टअप या फिनटेक्स के साथ हम काम तो बहुत करते हैं। एज SBI चेयरमैन आई वॉज वेरी सपोर्टिव, हमने बहुत फिनटेक्स को सपोर्ट किया, पॉलिसीज बनाई, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई स्टेट बैंक में कि स्टार्टअप से हमें प्रोक्योर करना है क्योंकि वो अदरवाइज टेंडर में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो उसका लिमिट रख के कि 3 करोड़ तक का विदाउट टेंडर हम करेंगे। वो एक तो वो इंटरेस्ट तो था ही, और अप्रोच तो ऑब्वियसली अश्नीर ने ही किया था, 2-3 बार किया, 3-4 बार हमने मना भी किया क्योंकि मेरे पास तो बहुत मार्की बोर्ड्स सब थे, HSBC और उस समय तो HSBC था और LTI था, L&T इन्फोटेक, और भी कई जगह पाते थे, तो बोर्ड्स आज भी मेरे जो बोर्ड्स हैं दे ऑल आर वेरी हाई क्वालिटी मार्की बोर्ड्स, पर वो एक अलग तरह का काम है, वो आप स्टेट बैंक में भी चालीस सक। स्टार्टअप का जो थिंकिंग था कि यू आर अमंगस्ट यंग पीपल, यू आर अमंगस्ट एनर्जेटिक पीपल, इनोवेशन हो रहा है, गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरिंग की ज़रूरत है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको ज्वाइन करूँ। दैट वॉज द बैकग्राउंड। ओके, फर्स्ट अप्रोच अश्नीर ग्रोवर ने आपको अप्रोच किया, तो किस रोल के लिए अप्रोच किया था? इसी के लिए किया था, डायरेक्टरशिप के लिए। क्या आप और कंप्लाइंस वगैरह? हाँ, एग्जैक्ट वर्ड यहीं बैठ के बात तो कि हमारी कंपनी को आपके आने से स्टेचर में, बाद में कुछ भी हुआ वो अलग बात है, बट दिस वॉज द कन्वर्सेशन। तो प्रॉब्लम क्या हुई ओवरऑल भारत पे फियास्को? मतलब वो तो पूरा सब मीडिया में है कि क्या प्रॉब्लम हुई, वन साइडेड है ना, आप मतलब आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ? कंपनी ग्रोथ करती है और उस प्रोसेस में जो एक ब्रेक्स हैं और गवर्नेंस है वो बैक सीट पे अगर रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो गवर्नेंस की प्रॉब्लम अब सॉल्व, या बिकॉज जिस स्केल पे भारत पे एकदम तेजी से बढ़ी और पहुंच गई, तो उसमें कोई प्रोफेशनल CFO नहीं है, प्रोफेशनल HR हेड नहीं है, इंटरनल ऑडिट का हेड नहीं है, कंप्लायंस नहीं है। बट यू नो व्हाट फैसिनेट्स मी अ लॉट, कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है जहाँ पे फाउंडर्स, यंग फाउंडर्स एक बहुत एक्सपीरियंस CEOs को लेके आते हैं या बहुत एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स को लेके आते हैं और करते हैं, बहुत सारे अच्छे डिसीजन होते हैं, गलत डिसीजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? पर अश्नीर ग्रोवर वेंट ऑन रिकॉर्ड एंड बी लाइक कि वो मतलब हर जगह आपके अगेंस्ट बहुत सारे कॉमेंट्स करते हैं, तो डज दैट बॉदर यू? नॉट एट ऑल, नॉट ऑल, आई हैव नेवर रिस्पोंडेड। बट यू नेवर फेल्ट द नीड कि मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए किसी चीज पे? देखो, द पीपल हु नो मी उन्हें तो कोई फर्क पड़ा है, ठीक है, कि वो जानते हैं कि वॉट इज रजनीश को, वॉट आर हिज प्रिंसिपल्स एंड वॉट इज वैल्यूज एंड वॉट काइंड ऑफ पर्सन इज, और जो नहीं जानते उनसे मुझे क्या लेना देना, व्हाई शुड आई बॉदर एट ऑल, इजंट इट ट्रू? ना तो मेरे किसी असाइनमेंट में कोई फर्क पड़ रहा है, ना मेरे मार्केट में डिमांड कम हुई है, और हम तो अब उस स्टेज पे करियर के कि हमें तो किसी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। ट्रू, आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनीबॉडी, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो किसी भी उसमें रिस्पॉन्ड करना वो तो मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक ही नहीं है। फिर जैसे अब मैं किसको समझाऊंगा, पब्लिक को मुझे क्या समझाना? नहीं, पब्लिक को नहीं समझाना, इज व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ फाउंडर पर्सपेक्टिव या कंपनी के बोर्ड के पर्सपेक्टिव, कि जब एक्स फाउंडर जो आपके क्लोज होते हैं वो आपके खिलाफ कोई अगर ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरी सबसे बड़ी हायरिंग मिस्टेक थी कि मैंने रजनीश कुमार को हायर कर लिया, ये कर दिया उनसे, और भी बहुत सारे उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि पता नहीं क्यों उनको मैं बोर्ड पे लेके आ गया, XYZ, तो इससे मार्केट में जिन लोगों को आपके साथ काम करना है वो बहुत अफेक्ट नहीं होता? वो नहीं अफेक्ट होता ना, क्यों? जैसे अगर मुझे यंग हो, मुझे उसके पास भी, मुझे तो हर हफ्ते में एक ऑफर मिलता है कि सर हमारे बोर्ड पे आ जाओ या हमारे एडवाइजर बन जाओ,
तो मुझे तो एवरी वीक आई गेट ए ऑफर। तो उससे अभी कोई पब्लिक मतलब अच्छे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, नए लोग जुड़ना चाहेंगे, अच्छे लोग जुड़ते ही हैं। उसके बाद तो मैंने 3 कंपनी ज्वाइन करी है बोर्ड में। L&T मैंने ज्वाइन किया, ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी इंटरनेशनल कैनेडियन लार्जेस्ट रियल एस्टेट मैनेजर है, उनके बोर्ड में मैंने ज्वाइन किया। तो दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग, द पीपल हु नो रजनीश कुमार राइट, दे डोंट कैरीड अवे व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट मी बिकॉज दे हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो यंग टैलेंट आपको जैसे ज्वाइन करने के पहले ही सोचेगा ना, कितने लोग आए भारत पे में, ये सब इसी बात पे आए कि रजनीश कुमार जो है वो भारत पे में चेयरमैन, एक वन ऑफ द फैक्टर्स, हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइन इन भारत पे इटसेल्फ, एटलीस्ट 10-12 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु वर वेरी वेल प्लेस्ड इन देयर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव कम टू भारत पे। वी हैव हायर्ड ए न्यू CTO, वी हैव हायर्ड ए न्यू हेड ऑफ पेमेंट्स, वी हायर्ड CFO, वी हायर्ड CHRO, हेड ऑफ कंप्लायंस, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, हेड ऑफ पेमेंट्स संदीप इंदुरकर, वो ICICI बैंक में अच्छी खासी पोजिशन में बैठे हुए थे आगे। तो टैलेंट की कहाँ कमी है भारत में, आज को हायर करना लाइन लगा के लोग आएंगे जिन्होंने एक्चुअल मनी स्पेंड करा है और रियल कैश कंपनी में डाला है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें क्या प्रॉब्लम। अगर उन्हें प्रॉब्लम होती तो वो बोलते ना कि सर आप जाओ, ट्रू। और अगर वो मेरे को बोले आज सर जाओ तो मैं आज चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो कोई भी बोलेगा कि सर आप की वजह से हमें दिक्कत है, अरे ये लो भाई तो ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो जब आप ऐसी दिक्कत नहीं है तो मैं कोई यंगस्टर थोड़ी हूँ जिसको कि जॉब की जरूरत है और काम नहीं चलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता। आपको क्यों लगता है कि फिर रजनीश ग्रोवर ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो उनसे पूछो। हाउ कैन आई रिप्लाई। एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ देखी मुझे, मतलब बहुत वरीसम भी लगा, बट आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि इंडिया में 106 यूनिकॉर्न्स हैं, 106 यूनिकॉर्न्स हैं, 106 यूनिकॉर्न्स में से भारत पे इकलौता यूनिकॉर्न है जिसके सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऑफ हैं, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों कि कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं? वो भी रिव्यू अब चल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो डेलिब्रेटली आप जो है ना इंस्टिगेटेड कमेंट्स भी जो है आ जाते हैं कई बार या कुछ है, पर आई एम ओके। लाइक सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी लिखे तो मुझे पता नहीं, अभी तो खुल जाना चाहिए था उसका कमेंट सेक्शन। रिसेंटली सोहेल समीर ऑल्सो लेफ्ट एज अ CEO, तो उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न था जाने का कि मस्जिद? अच्छा। तो भाई आजकल ये तो अभी तो ये बात कर रहे थे हम, या तो एवरेज टेन्योर ही 2 साल 2.5 साल 3 साल होता है। तो स्टार्टअप में क्या है, मैंने रीज़न एनालाइज किया, 2 रीज़न है। एक तो सबके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी है, तो वो एक दिमाग में कहीं भी नहीं है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। और सेकंड जो है एक एंटरप्रेन्योरल स्ट्रीक है कि भाई मैं अपना कुछ करूँगा। तो रीजन्स कैन बी सेवरल, आदमी अपने काम करना चाहता है, अपना फंड सेटअप करना चाहता है। तो बहुत लोग गए भारत पे से और बहुत लोग आए भी हैं, जितने गए उससे ज़्यादा आए। और जो टैलेंट आया है वो किसी भी रिस्पेक्ट में आउटगोइंग टैलेंट से कम नहीं है, दैट आई कैन से विद गारंटी। थैंक यू। ये क्लिप एंड तक देखने के लिए, ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।